पूरी सृष्टि में जब कभी हमारे दादा दादी ने या किताबों ने या कहीं पर भी हमने अगर कहीं चीजें पढ़ी, उन सारी चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन सी होती थी कि हर किसी का कोई ना कोई एक स्टोरी जो है वो चल रहा होता था, और उस स्टोरी में सडनली कुछ ऐसी चीज हो जाती जिससे सारा कुछ ठीक सा हो जाता था। जब मैं छोटा था मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इस तरह से क्या हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा हुआ अलग अलग डायमेंशंस पता लगने लगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताए कि अगर तुम्हें अगर किसी चीज को हासिल करना है तो वो किस तरह से तुम हासिल करोगे। और ये जो हासिल करने की प्रक्रिया है वो नेवर एंडिंग होती चलेगी। अगर एक जरूरी मीटिंग है ऑफिस में तो जो है वो ऐसे पूजा कर लो, अगर जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वहां पे जाके इस चीज की पूजा कर लो, इसको वो खिला के आ जाओ, उसको वो खिला के आ जाओ। ये जो है ये जिंदगी में चलता रहा, और एक बार जाके ये पूरा विश्वास हो गया कि ऐसा सब कुछ करने से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। जब उस मुकाम पे पहुंच जाए इंसान जहां पे उसको जो है क्लैरिटी हो जाए कि क्या करने से क्या मिलता है, दैट मीन्स यू हैव लोग ये समझते हैं कि आपको जो है वो आपको एक चाबी मिल गई है जिससे आप जो है वो कोई भी ताला खोल सकते हो। बट वो चाबी जो है वो उस जूनी की है, वो जो चाबी है वो आपकी सोल की नहीं है। जब इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है केवल एक फिजिकल चीजों में आसक्त हो जाता है और उसे जो है वो खुशी सिर्फ उन्हीं चीजों से मिलती है जो पैसों से खरीदी जा सकती है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और ये मैं अगर मैं बता रहा हूं तो ये मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी और के बारे में कमेंट करूं। तो जिस दिन ये समझ में आ गया कि हर चीज जो है वो पैसे से खरीदी जा सकती है और उसी का ही मोल है, उस दिन दिमाग जो है वो सातवें आसमान पे पहुंच गया। और सातवें आसमान पे ऐसा पहुंचा कि हर कोई इंसान जो सामने था वो बोना दिखाई देने लगा। When you have the power, you get blind. But when you have the power, और कहीं ना कहीं से आपने थोड़ी बहुत भी अगर जो है वो ऊपर वाले ने अगर आपको दूर से ही स्पॉट कर लिया है तो जो है वो जिंदगी वहां से आसान हो जाती है। गुरु महाराज ने किसी तरह जो है वो मुझे स्पॉट किया, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि मैं गुरुजी महाराज के पास गया था दैट विल बी एब्सोल्युटली नॉनसेंस आई वुड बी स्पीकिंग अबाउट, बिकॉज गुरुजी महाराज को ही ये पता है कि कब किसे कहां पर जो है बुलाना है। और उन्होंने बड़े प्यार से जो है वो मुझे अपने पास बुलाया एक सत्संग में, और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बुलाया भी इस तरह कि मेरी बेटी जो है वो बचपन से उसने सत्संग में जाना और मैंने नहीं जाना होता था, उसने बड़े मंदिर भी जाना मैंने नहीं जाना होता था, लेकिन उसने जो है वो एक बार मुझे ले गई गुरु महाराज के सत्संग में। मैं पहुंचा और वहां पे पहुंचते साथ ही उनको जो है वो
दोनों हाथों से नमस्कार किया, मत्था नहीं टेका, नमस्कार किया। और जो है वो एक सवाल बड़ा क्लियर था, गुरुजी महाराज आपने क्यों जोड़ा, क्यों आपने मुझे बुलाया है? बिकॉज एटलीस्ट मुझे ये जरूर पता था कि जो भी ये गुरु होते हैं इनके इनकी जो पावर है वो इनफाइनाइट है, और अगर हम उनके सामने जाते हैं तो जो है उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, हमारा ही, हमें लगता है हम उनके पास जाते हैं अपने पर्पस के लिए, बट एक्चुअली होता इस तरह नहीं है। आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो जो है वो डिफाइंड है। आप चाहे तो किसी भी बड़े से बड़े जो है वो एस्ट्रोलॉजर को अपने आप जो रही सही कैलकुलेशन जिसे आती हो ना, वो आपको डे टू डे डिफाइन कर सकता है एग्जैक्टली वीकली कि जो है वो आपकी जिंदगी में क्या होगा, तो वैसे ही वो डिफाइंड होता है। लेकिन गुरु महाराज जो है व्हेन दे स्पॉट यू एंड दे नो दैट देयर इज समथिंग स्पेशल इन यू, दे पिक यू अप एंड ब्रिंग यू अप टू द सत्संग। और अगर कभी आपको कोई इनविटेशन आए, अगर आपको कोई भी बुलाए कि हाँ तुम्हें सत्संग में तुम आ जाना, और उसके बावजूद अगर आप नहीं जा रहे, यू आर लूजिंग ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम। बिकॉज इन एवरी सत्संग इफ यू विल गो, वहां पे आपको जो है वो कुछ ना कुछ वो बख्शीश होगी। या कहने का मतलब ये है कि जब भी जो है वो हम अपनी जिंदगी में विटामिंस की जो है वो पिल्स ले रहे होते हैं या सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, दैट गोज एंड यू नो फोर्टिफाई समथिंग, द सेम वे गुरु जी महाराज जब अपने सत्संग में बुलाते हैं तो वो जो है वो आपको ब्लेस करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लाइफ के लिए, कि ताकि जो है वो आपको वहां पे अगर कोई जो खड्डे थे वो भर जाए और तुम जो है उसमें से आराम से निकले। सो जब गुरु जी महाराज ने वहां पर बुलाया, पर्पस पूछा मैंने, जवाब कोई नहीं आया, शुक्राना हुआ, आंखों में से धाराएं निकली, समझ नहीं आया कि जिंदगी में पहली बार रोया क्यों था। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड 2 years, काफी सत्संग में गया लेकिन बड़े मंदिर जाना नहीं हो पाया। एवरी टाइम आई यूज टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर, हमेशा जो है वो बैगेज चेक इन हो जाता, सिक्योरिटी चेक हो जाता, उसके बाद याद आता कि मैं तो बड़े मंदिर भी जाना था मुझे, क्यों ऐसा मुझे नहीं पता। एक दिन मैंने गुरुजी से इल्तिजा करी, गुरु महाराज इस बार ऐसा मत करना, मैं स्पेशली आपके पास ही आना चाहता हूं। When the purpose was set, it was not a detour. It was a purpose that was set. उस वक्त गुरुजी महाराज ने जो है वो बुलाया, बड़े मंदिर गया। बड़े मंदिर जाके मत्था टेकने का भी बड़ी मुश्किल से मौका मिला, और उनके जो है वो स्वरूप जी के सामने खड़ा था, तभी सेवादार ने कह दिया कि आगे चलो। मन को ऐसा लगा पहली बार आया हूं, सवाल आपसे पूछा था, जवाब यहां पे भी आके नहीं मिलेगा क्या? इतनी ही देर में गुरु महाराज ने जो एग्जिट का जो डोर है वो बंद करा दिया और कहा कि ये जो संगत जो सारी की सारी अंदर है वो अभी यहीं रहेगी थोड़ी देर के लिए, मे बी बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी। मेरा गुरु महाराज से वहीं शुक्राना निकला और मैंने उनसे यही कहा, गुरु महाराज मैंने तो बस ये सोचा ही था कि थोड़ी समय आपके साथ में और बिता लूं, इतने जल्दी आपने मेरी बात मान ली। और गुरु जी महाराज से फिर वही सवाल किया, आपने मुझे क्यों चुना? गुरु जी महाराज का सीधे आंसर, तेरे हिस्से में तो फकीरी है। फकीर का मतलब जो है समझ में आता नहीं था, जब सुना तेरे हिस्से में फकीरी है तो जो है वो अपने आप को एक भिखारी की शक्ल में देखा, और तब समझ में आया कि भिखारी और फकीरी में फर्क क्या होता है। लेकिन आगे क्या होना था आई हैड नो आइडिया।
सो आई वेंट ऑन, शुक्राना किया कि ठीक है जी गुरु जी महाराज, फकीरी ही सही, आपने बुलाया, आपने जो है वो ये कहा, और अगर मैंने जो है वो आपको माना है तो मैंने सिर्फ आपको ही माना है, लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है, आई हैव ओनली वन वे टिकट फॉर योर साइड, दैट्स ऑल, मेरे पास रिटर्न का कोई टिकट नहीं है। तो अगर जो है वो आप मुझे अपने पास अगर आपने बुला लेना है तो मैं वापस मुड़ के कभी नहीं जाऊंगा, जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे, जो करवाएंगे, एंटायरली अप टू यू, आपका दास बन के रहूंगा, नौकर बन के रहूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, ये आपने ध्यान रख लेना। और वहां से मैं निकल आया। उसके बाद जब सिंगापुर वापस आया, मैं मुझे इस बात का बिल्कुल जो है वो आइडिया नहीं था कि आगे की जिंदगी गुरुजी महाराज कैसे चलाएंगे, बिकॉज जिंदगी का तो एक ही मकसद था, वो ये कि सुबह उठो, जिम जाओ, ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ और दूसरे दिन फिर से शुरू कर लो, दैट्स ऑल। उसके बीच में थोड़ी सी जो है कभी इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर ली, कभी जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, जिंदगी सारा यही की है। और पर्पस जो है वो जिंदगी अगर कुछ समझ में नहीं आया, उधर से गुरु महाराज ये कहते हैं कि तेरे हिस्से में तो फकीरी, कुछ समझ में नहीं आता था। तब गुरु जी महाराज से एक चीज कही कि गुरु महाराज, आपने जो है वो हर थर्सडे को जो सेवा बख्शी है वो कराते रहना प्लीज। सो समहाउ वी स्टार्टेड डूइंग एवरी थर्सडे इवनिंग सांधे वेला सत्संग, एंड इट वेंट आउट टू बी मी एंड शोना ओनली सिटिंग टुगेदर, नोबडी एल्स। एंड देन इट स्टार्टेड यू नो चेंजिंग इटसेल्फ। तब से गुरुजी महाराज का जो एक एक प्रकाश है जीवन में, घर में, आसपास, वो दिखना शुरू हुआ। गुरुजी महाराज की जो पहली सबसे बड़ी बात थी वो ये कि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो कि इम्प्रैक्टिकल था या इट इट रियली नीडेड एन एफर्ट, इट वॉज वेरी सिंप्लीफाइड वे। अब अगर उसे सत्संग के रूप में अगर जो है मैं एक्सप्लेन कुछ एक करना चाहूं जो कि गुरुजी महाराज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को जो है वो मैं गुणगान करके अगर मैं बता रहा हूं तो वो ये कि मैंने अपने पेरेंट्स बड़े अर्ली एज में खो दिए और मुझे इस बात का दुख नहीं था, मुझे इस बात पे ऊपर वाले से बड़ी नाराजगी थी, बड़ी नाराजगी, और वो नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि आप ये कह सकते हो कि मैं उस चीज के लिए मैं माफ नहीं कर सकता, ये अंदर मेरे इतना ज्यादा गुबार था। गुरु महाराज ने जो है वो जो कैपेबिलिटी उस दिन दिखाई, वो कैपेबिलिटी उनकी वो ये थी कि सत्संग के समय इसी जगह पर हम बैठे हुए थे और सत्संग के समय उन्होंने मेरे पेरेंट्स मुझे सामने दिखाई दी। माई मदर वॉज ऑन द राइट साइड ऑफ गुरु जी, माई फादर वॉज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ गुरु जी, एंड आई वॉज टॉकिंग टू देम एंड गुरु जी वॉज स्माइलिंग एट मी कि ले तेरे सामने लेके आ गया हूं, जो बात करनी है, जो गिले शिकवे करने हैं, जो करना है कर ले, खत्म। वो बात हुई, मन नहीं भरा, एक और थर्सडे आया, गुरु महाराज से एक बार फिर से इल्तजा करी कि एक बार मुझे और पेरेंट्स से मिला दीजिए। उन्होंने दो लाइट्स के जरिए वो मुझे मिला, एंड दैट वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ माई पेरेंट्स कमिंग इन द सत्संग।
ये जो मैं कैपेबिलिटी आपको जब बता रहा हूँ गुरु जी की, ये एक वो टेस्टिमनी है मेरी, मेरा वो सत्संग है कि जो शायद ना हमने कभी सुना है, या लोग कहते हैं कि मुझे सपने में आए थे। सपने में आना अलग बात है और सामने सामने बात करना अलग बात। ये है गुरु महाराज हमारे। उस दिन के बाद जिंदगी में जो है वो चेंज आना शुरू हो गया। आसपास गुरुजी महाराज का एहसास, कभी पीठ पे थपकी, कभी सर पे हाथ, कभी सत्संग करना तो सत्संग में जो है वो जाके अपनी प्लेलिस्ट खुद चला देना, कभी जो है वो दिए में ज्योत जो है वो अपने आप जला देना। ये गुरुजी महाराज जब भी हम कभी, मैं और मेरी आंटी शोना जो है, हम लोग कभी लेट होते सत्संग करने के लिए, तो जो है वो गुरुजी महाराज भी इक्वल पार्टिसिपेट करते, क्योंकि हम दो ही थे। जब हम दोनों ही लगे होते थे और अगर जो है सत्संग में थोड़ा सा कहीं कभी जो है जरूरत पड़ती थी और तीसरा कोई होता नहीं था, तो गुरु महाराज जो है वो खुद आते हैं। तो ये बात बड़ी सच है कि गुरु महाराज जो है आपकी जिंदगी में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, मेक योर लाइफ बेटर। एंड व्हेन दिस हैपेंस, दिल से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, वो है शुक्राना। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में आपका सदगुरु आपके साथ रहे, आपके साथ चले और आपके साथ सुबह उठ के जो है वो चाय पिए, इससे बढ़िया हो ही क्या सकता है। और जो सुबह की चाय है, वो सुबह की चाय तो गुरु महाराज ने जो है सत्संग में ही कन्वर्ट कर दी। 2020 31 दिसंबर की शायद बात है, एंड दैट वाज या 19 या 20 की बात है शायद, मैंने गुरु महाराज से बस यही कहा था, मत्था टेका न्यू ईयर के दिन और मत्था टेक के ये कहा, गुरु महाराज मेरी सेवा डबल कर दीजिए, इसके अलावा निकला ही नहीं कुछ, क्योंकि जिंदगी में जो है वो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। जब से गुरुजी महाराज के जैसे 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 प्रकाश जो है वो जीवन में बढ़ता गया, वैसे वैसे जो इच्छाएं हैं वो खत्म होती चली गई। जब ये इच्छाएं खत्म होगी तो इनफैक्ट जो है ये पता लगा कि वो गुरु महाराज ने ये क्यों कहा था कि तेरे हिस्से में फकीरी है, बिकॉज इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जिंदगी में हर दिन वैसे सोता हूं जैसे आखिरी दिन है, जिंदगी में सुबह उठता हूं तो शुक्राना करता हूं कि गुरु महाराज आपने उठा दिया, चलिए मैं आपके लिए चाय बनाऊं। यही हमारी जिंदगी रहेगी। जो बाकी सब कुछ हो रहा है, अगर बिजनेस चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसकी तो शायद जब से गुरु महाराज ने जो हाथ पकड़ा उसके बारे में सोचा ही नहीं। सोचा तो सिर्फ इसलिए कि हाँ आज कैसे चाय बनाऊंगा, आज कौन सा चोला लगाऊंगा, आज कौन से फ्लावर्स लगाऊंगा, चिंता तो उसी बात की, दूसरी चिंताएं तो रही नहीं जिंदगी में। उन्होंने वो चीज जो है बिल्कुल ही खत्म करा दी। तो जब उनके साथ सुबह सिर्फ ये छोटी सी बात कि गुरु महाराज साथ में चाय पीएंगे, आपको पहले पिलानी है और आप जब प्रसादा जब उसका जब आप पी लोगे तो प्रसादा बन जाएगा, आपकी चाय जो है वो उसके साथ हम पीएंगे। ऐसे करके सुबह हम बैठते थे और बैठते हैं, शुरुआत ऐसी ही हुई थी। उसका जो है वो धीरे से उस समय बैठे हैं तो जी शब्द लगा लिए साथ में, धीरे धीरे जो है कुछ एक संगत ने पूछना शुरू किया, हमने कहा आप भी आ जाओ। उस समय जो है वो कोविड सिचुएशन ऐसी चल रही थी जो है वो हो नहीं सकते थे, तो मैंने लाइव करना शुरू कर दिया, संगत जुड़ने लगी। जब इतनी सारी संगत जो है वो जुड़ने लगी, सारा कुछ होने लगा, तो मैंने एक चीज रियलाइज करी, देखिए गुरु महाराज कितनी आसानी से जो है वो सारी संगत को प्यार से ब्लेस कर देते हैं। मेरा पर्पस बना दिया चाय पीने का साथ में, और सबको जो है सुबह सुबह का जो है
वो सत्संग जो है सत्संग में बुला लिया, या जो है सुबह, मैं तो ये कहता ही नहीं कि कभी गुरु महाराज ने कभी शायद ये कहा ही नहीं कि आप सुबह जो है कोई सत्संग करो, बट मैं तो सुबह की चाय पी रहा था गुरु महाराज के साथ, और उसको जो है वो सत्संग में कन्वर्ट कर दिया, मुझे नहीं पता। रोज सुबह होने लगे, आज भी जो है होता आया है। और जब इस तरह की जब चीजें जब होने लगे जिंदगी में, तो 1 महीने 1.5 महीने बाद जो है वो मन में एक इस तरह आ जाता है कि देखिए अब तो और भी संगत आ गई है, सारे लोग बैठे हैं, सारा कुछ है, लोग जो है वो भी अब लुक फॉरवर्ड करते हैं सुबह। तो गुरु महाराज कहीं ऐसा ना हो कि जो है सुबह की चाय बंद हो जाए क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो है वो मतलब मैनेज करने वाले कौन है और कंटिन्यूटी देने वाले कौन है? वो हमारे गुरु महाराज। तो उनसे बस यही अरदास करी थी कि गुरु महाराज साथ चाय पियेंगे रोज, बस ये चलते रहने देना। किस तरह से उन्होंने जो है वो आगे लेके चले गए पता ही नहीं चला। अब जिंदगी में जो बाकी चीजें वो चल रही हैं आराम से, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। फोकस कहाँ है? फोकस गुरु महाराज पे। जिंदगी में जो बाकी चीजें चल रही हैं, ठीक है, डेली की बिजनेस मीटिंग्स हैं, फाइनेंशियल्स मैटर्स हैं, या कुछ और चीजें हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, बच्चे के जो है काफी सारी चीजें हैं, वो चल रही हैं, उसमें कोई जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर बेटर ट्रेन फॉर दैट, यू नो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव बीन एजुकेटेड टू मैनेज दोज थिंग्स। बट ये जो बाकी चीजें जो जो कर रहे हैं वो क्या है? That is not for our body, that is for our soul. Because Guruji Maharaj only looks and takes care of our soul. If your soul is blessed, if your soul is pure, and your soul emits that power of positive energy, your body will be automatically perfect. हमारी स्किन से हमारी सोल तक चीजें नहीं पहुंचती, हमारी सोल से हमारी स्किन तक चीजें जो है वो पहुंचती हैं। सो जब आपकी सोल ब्लेस होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये हमारी जो जो ये काया है वो ब्लेस हो जाती सो हमें उसकी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत केवल जो है अपने सोल को ब्लेसिंग, अपने सोल को कनेक्टेड रखने की जरूरत है। और वही जो है वो एक सिंपल सी देखिए चाय से होना शुरू हो गया। लेकिन उस समय भी समझ में उस समय नहीं आया था कि तेरे हिस्से में फकीरी है वो क्या है। तो समझ में वो तब आना शुरू हुआ जब सुबह के सत्संग में अरदासें हुई, और अरदासों में आई डोंट नो हाउ मेनी पेशेंट्स वर ब्लेस्ड। हर किसी को कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी, और वो सुबह के सत्संग में कभी ना कभी जुड़े। शुरुआत ऐसे ही हुई, वो भी कोई कोई ऐसा सोचा ही नहीं था। और आज जो है वो, कल भी एक अंकल थे, वो अंकल जो है वो आईसीयू में थे, और बख्शीश की बहुत जरूरत थी, गुरु महाराज की बख्शीश की बहुत जरूरत थी। डिड अ कलेक्टिव अरदास। When we say collective अरदास is a part of a satsang, आप सभी साथ में बैठे हैं, सभी मिलके जो है आप जो है वो अरदास करते हैं किसी के लिए, और सिर्फ ये कहते हैं कि गुरु महाराज जो हम आपसे सिर्फ ये अरदास कर रहे हैं, वट एवर द बेस्ट यू कैन डू फॉर दैट सोल प्लीज डू इट। वी डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर एनी थिंग, वट एवर द बेस्ट यू थिंक, बिकॉज इट सेज प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जब डोरी आपके हाथ में दे दी, तो आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू डिफाइन आपने करना क्या है। तो उन्हें जो है वो डोरी थमा दी, 4 घंटे में जो है वो न्यूज़ ये आती है कि जो है वो कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगा था कि जो है वो आईसीयू से बाहर आएंगे, बल्कि जो है वो न्यूज़ ये आई कि वो कल डिस्चार्ज ही हो जाए। ये कमाल है गुरुजी महाराज का कि
कि जो कि जो है वो कहां से कहां लेके जाते हैं। और हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, हाथ जोड़ के अपनी संगत के लिए अरदास करें। क्योंकि गुरु महाराज ने भी यही कहा था कि अगर मैं, जब मैं नहीं होऊंगा ना, तो ये सारे जो संगत है वही तुम एक दूसरे का साथ होंगे। और जब एक दूसरे के साथ हम लेके चलते होते हैं और अपने आप को जो है वो सबसे बेस लेवल, मैं ये कहता हूं कि जो जो संगत की चरण है वो ही गुरु चरण है। अगर आप हर संगत में गुरु को देखते हो और गुरु का अंश देखते हो, तो फिर जो है वो उसी संगत में और उस संगत के जो है वो चरण में आप गुरु चरण क्यों नहीं दिखाते। और अगर आप जो है वो ये अपना पर्सपेक्टिव रख लेते हो, तो बहुत कुछ आसान हो जाता है। जब से अपने आप को जो है वो उस लेवल पे रखा है जहां पे हर संगत के चरण जो है गुरु चरण लगते हैं, सारी चीजें आसान हो गई। और यही जो है वो सार है। मुझे बड़ा शौक था गुरु महाराज को पकड़ने का, उन्हें झप्पी पाने का, उन्हें छूने का। मन में बड़ी इच्छा होती थी कि उनको जो है वो इस तरह से जो है छू पाऊं। हमारी किस्मत नहीं थी कि हम जो है वो वैसे जाके छू पाते, लेकिन मन में जो है वो बहुत इच्छा इस बात की। एंड दैट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट। सो गुरु महाराज से ऐसे ही बैठे बैठे, जरूरी नहीं है कि उनके स्वरूप जी के सामने बैठे, जब आप जहां बैठे हो आप गुरु महाराज से वहीं बात करो, वही चलेगा। आप यहां बैठे हो, सामने गुरु महाराज बैठे, ओके, डजेंट मैटर। थर्सडे का सत्संग चल रहा था, आई विल कम बैक टू दैट वन। थर्सडे का सत्संग चल रहा था और लाइव सत्संग था, तो आई वॉज बिहाइंड द कैमरा और गुरु जी जो है वो मेरे पीछे खड़े हुए, एंड आई कैन फील हिम। और मेरे आई वॉज फोकस्ड ऑन ऑन सत्संग इन सच अ वे, मैं जो है बचपने से उनसे कह रहा हूं कि गुरु महाराज आप मेरे पास क्यों खड़े, अब सामने जो है वो कुर्सी पड़ी है आपकी, आप वहां जाके आराम से बैठिए ना, आप मेरे पास क्यों खड़े हो। ऐसे ही करके चुपचाप खड़े हैं अपने कि जैसे कि मैं तो नहीं जाना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जाना, आपने ऐसे यहीं आपने जो खड़े रहना आप यहीं पर खड़े रहिए। इट्स ओके, मैं कौन होता हूँ आपको जो है कुछ कहने वाला। ये बचपना है, ये बचपने की बातें हैं जो अपने पिता से आप कर सकते हैं कि कुर्सी खाली पड़ी है पिताजी, आप वहां बैठते क्यों नहीं। और कहते मैं तेरे पास ही खड़ा हूं, मैं बचपने में ये कह रहा हूं कि आप सामने जाके बैठते क्यों नहीं। एक्चुअल में क्या है वो बाद में कभी समझ में आती है कि पिता भी तो अपने बच्चे के पास खड़ा होना चाहता है, देखना चाहता है कि करता क्या है। ये वो चीजें हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं और समझ में बाद में आती है। तो गुरु महाराज जब पिता की तरह आपकी जो है वो केयर करते हैं, तो जब एक बात की बात आई जहां पे कमिंग बैक टू दैट पॉइंट व्हेन आई रियली वांटेड टू फील गुरु जी, उस समय गुरु महाराज ने जो है तब ड्रीम दर्शन दिए। और ये जो ड्रीम दर्शन जो हुए उस समय, गुरु महाराज आए और सामने खड़े हो गए। I wanted to hug him. I really wanted to hug him. But अंदर से हिम्मत नहीं है बोलने की। गुरु महाराज से मैं कैसे बोलूंगा कि I want to hug you? तो जब उनसे कहना चाहता था, लेकिन वो एक बात वही है, गुरु महाराज तो सब कुछ जानते हैं, तो मन से ये आई आवाज, आई वॉन्ट टू फील यू।
गुरु महाराज ने जो है वो जवाब दिया कि अपने पैर देख। मैंने अपने पैर देखे, मेरे पैर गुरु चरण। मैंने कहा गुरु महाराज ये क्या है? थोड़े तो मेरे को फील करना चाहता था ना, देख तुझ में मैं। बोले चल मैं आज तेरे को घुमाने ले चलता। उस समय उन्होंने जो ऐसी उड़ान ली, ही इज फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग एंड ही इज होल्डिंग माई हैंड एंड वी बोथ आर फ्लाइंग थ्रू द एयर। कितने समय तक जो है उड़ते रहे और कितने समय तक उनके चोले चेंज होते रहे मुझे नहीं पता, बट मैं बड़ा खुश होता। अच्छा गुरु जी ये वाले चोले, अरे वाह ये चोला वो चोला, लेट्स लाइक ए किड, जस्ट लाइक ए किड, जस्ट लाइक यू वुड बिहेव विथ योर फादर व्हेन यू आर लाइक मे बी 3 years ओल्ड, डजंट मैटर, आई वुड एक्ट लाइक द सेम वे इफ आई एम यू नो 100 years ओल्ड विथ गुरु जी, दैट्स ओके विथ मी, बिकॉज अगर वो मेरे पिता है तो बच्चे को बचपना हमेशा करने का जो है वो हक बनता है। सो वो इस तरह से जो है जब चलता रहा, एक सवाल आया गुरु महाराज से, गुरु महाराज आपने मुझे इस तरह से तो घुमा दिया लेकिन मुझे आपने बताया नहीं कि आप रहते कहां। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए खुद के लिए था, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो, बट आई रियली वॉन्टेड टू आस्क दैट कि आप रहते कहां। तो गुरु महाराज ने वहां भी बख्शीश करी। कभी अगर जो है वो हमें ड्रीम दर्शन आए तो इट इज बेटर, बिकॉज आई थिंक यू नो व्हेन वी आर स्लीपिंग एंड व्हेन आवर सोल्स आर ट्रैवलिंग इट इज ईजियर टू एक्सपीरियंस दिस रादर देन यू नो एक्सपीरियंसिंग लाइक दिस। और जब ये दूसरी बार जब ये दर्शन हुए गुरु जी महाराज के, मेरी जुबान आधे घंटे के लिए चली गई थी, आई कुड नॉट मूव माई टंग, एंड माई आंटी वॉज आस्किंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, शी वॉज आस्किंग मी व्हाई यू कैन नॉट स्पीक, आई फॉरगॉट हाउ टू स्पीक। मुझे दिमाग में आ रहा है मैंने बोलना है, बट मेरी टंग कैसे चलेगी मुझे नहीं पता, मुझे जुबान कैसे चलेगी मुझे नहीं पता। सो इट इज when your soul travels, it's very very you know I would say dangerous, I would say that word, it's not easy. So now I tell you about this soul traveling with Guruji. So jab maine Guruji Maharaj se ye pucha, Guruji Maharaj aap jo hai wo kahan rehte ho mujhe dekhna hai, Guruji Maharaj ne wo dream mein wo dikhaya when the soul could travel to सचखंड, और वहां पे मैं सडनली ड्रॉप होता हूं, द होल एम्बियंस इज लाइक एक बहुत बड़ा कुछ पत्थरों से सारा कुछ बना है, पिलर्स हैं उसके बीच में, पर्दे लगे हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, दैट ब्यूटीफुल साइट। सामने एक जिसे हम तखत कहते हैं, गद्दी सी सामने वो पड़ी है, इट्स नॉट कुर्सी नहीं है, चेयर नहीं है, केवल तखत सा है, बट गुरु जी उस पर बैठे नहीं है, ही इज मूविंग अराउंड, 15-16 संगत है जो आसपास है, और मैं भी एक जगह पे ऐसा बैठ गया हूं, इट वॉज लाइक आई वॉज थ्रोन फ्रॉम द टॉप एंड, बट मुझे चोट नहीं लगी, मैं वहां पे आके गिरा हुआ बैठ गया। तो ऐसे बात करते करते आए मेरे पास, आ गए, कहते आ गया तू? मैंने कहा जी गुरु जी आ गया, चल कोई नहीं बैठा रहा। That was an experience, that's all. So he just wanted to take an give me an experience of what where he is he. आज भी मुझे याद है कि उनके जो चोले का कलर मुझे याद है, जो संगत है मुझे उनके शक्ल मुझे किसी की याद नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो है कुछ एक संगत है जो लेफ्ट साइड में बैठी हुई है, राइट साइड में कुछ नहीं, राइट साइड में बिल्कुल खाली है, मेरे राइट साइड पे। सो गुरुजी महाराज के जो है लेफ्ट साइड पे, एंड ही इज ट्रैवलिंग, इज टॉकिंग टू एवरीबॉडी, एंड रैंडमली ही कम्स बैक एंड टॉक्स टू मी ऑन समथिंग एंड गोज बैक।
He asked me, you know, 3-4 questions, and you know, but that I cannot divulge, because you know that is something every Sangat have connection, and they have their own, you know, they cannot talk about it sometimes. So there were 3-4 things we discussed about, and then he said, "Chal, tune dekh liya, ja, ab jaake wahan pe so ja." So main dekh raha hu ki on the right side, ek jo hai wo जैसे मंजा कहते हैं हम उसे, जो है वो रस्सी से बना हुआ मंजा होता है, वो वहां पे पड़ा हुआ है, और वो मुझे कह रहे हैं जस्ट गो एंड स्लीप देयर। मैं वहां जाता हूँ, जाने से पहले मुझे थोड़ी हिचक है कि आप तो यहाँ खड़े हुए हो, सारी संगत बैठी हुई है, मैं कैसे जाके वहां पे लेट सकता हूँ, बिकॉज आई मीन वो तो जो है मतलब मैं तो ऐसे कर नहीं सकता। तो गुरु जी कहते हैं मैं कह रहा तेनू उठे जा और पै जा। सो मैं गया, and then I slept on my right side, and just after that I woke up and I was on my right side, exactly the same way I slept on that manja, I woke up in my bedroom that way. And that when that happened and I woke up, and I woke up my auntie, and I'm trying to speak to her. I'm trying to explain to her what happened, but I don't know how to speak. Meri zubani nahi hilti. Mere dimag mein itna kuch hai batane ke liye, lekin ho hi nahi raha. It took me almost half an hour. Then I started speaking like toote phoote shabd. ऐसे बोलना शुरू किया। It took me almost another 1 hour to explain this whole thing, वो भी उसमें, but it took me literally 3 days, जो मैं अभी सुना रहा हूं आपको। इतनी सी छोटी सी बात थी, अगर वो उसके कहें explanation, and the whole of how the whole thing was, it took me 3 days to explain that whole thing to my auntie. That is the power of Guruji, that can, you know, he can bring you, he can make you move. Abhi jab aapki aarti chal rahi thi, how many of you have really traveled into that space and being part of that aarti? If you have been able to do that, trust me, it does make sense. So Guruji Maharaj, आपके समय को मैनेज कर सकते हैं, आपको समय में ट्रैवल करा सकते हैं। And when I say this very clearly, because मेरी जिंदगी में एक दो बार, जो इंडिया में जिसे मेट्रो कहते हैं, यहाँ पे MRT कहते हैं उसे, तो मैं उसमें ट्रैवल कर रहा था, एंड एक ही स्टेशन 2 बार आया। इट्स पॉसिबल। सो अगर जैसे मैंने शुरू किया था कि बचपन में हमने कहानियां सुनी थी, वो एक्चुअली वो कहानियां बन गई, जिसे आज हम सत्संग कहते हैं। सो जब भी आपको ये लगे कि आपका समय खराब चल रहा है, या उसे दूसरी तरीके से मान लें कि आप जो अपने मन में चाहते हो करना वो नहीं हो रहा है, तो आप बड़ी क्लियरली जो है गुरुजी महाराज के सामने आप जाके बैठ जाएं, या आप कहीं भी बैठ जाएं, गुरुजी महाराज से ये कहें कि गुरुजी महाराज प्लीज मेरे जीवन में प्रकाश कीजिए, कि जो है वो मुझे समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। महाशिवरात्रि का दिन, एंड आई वॉन्टेड टू सिंग फॉर गुरुजी ऑन दैट डे। और उस दिन एक रात पहले आई हैड सिवियर टूथेक, एंड दैट टूथेक वॉज ऑल्सो आफ्टर आई हैड गॉन टू माय डेंटिस्ट फ्रेंड, एंड ही हैज क्लीन्ड अप एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन, एंड आई हैड अ 3D एक्सरे एज वेल।
and he could not spot a cavity in a 3D X-ray. And I asked him, "Kal Mahashivratri hai, mera sara kuch hai, aise manage karna hai, maine sara kuch, and I'm having a pain now. Tune ye kiya kya mere bhai?" Aise main pooch raha tha usse. He's a doctor friend, dentist. So he looks at the X-ray and he says, "Oh, there might be a cavity." दोस्ती में क्या बोलता है बंदा. मैंने उससे यही कहा कि भाई तूने पहले देख लिया होता, then you could have done it. अभी मेरा कल जो है महाशिवरात्रि का है, how am I going to, you know, manage that? And I'm having a very severe toothache. Now this is one side which is going on. On the other side, what I'm asking Guruji is something different. I'm not asking him to cover this pain off. I'm not asking him कि ये pain बंद हो जाए. मैं सिर्फ यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं, गुरुजी महाराज pain तो हो रहा है, अगर pain हो रहा है तो आपने ही दिया हुआ है, बस मुझे प्लीज आप ये बता देना कि ये क्यों हो रहा है, सो दैट एटलीस्ट मुझे तो पता लगे कि ये जो सजा मुझे मिल रही है या मुझे ये मेरे जो कष्ट कट रहे हैं, कौन से कष्ट कट रहे हैं मेरे. क्योंकि अगर आप गुरुजी महाराज के शरण में हैं और अगर आपने 100% सबमिशन कर दी है, लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज, इंक्लूडिंग यू नो अ ड्रॉप ऑफ एनीथिंग जो आप पीते हो, इवन इफ यू ब्लिंक योर आईज, और जो आप सांस ले रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुरु महाराज. सो जब आप फुली कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हो, तो आपके पास केवल जो है वो एक ही सवाल रहता है कि मे बी यू नो यू वुड लाइक टू टेल मी व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, दैट्स ऑल. सो व्हेन दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी, आई जस्ट आस्क गुरुजी, प्लीज टेल मी गुरुजी व्हाई दिस पेन इज कमिंग टू मी. इट इज एब्सोल्युटली किलिंग मी. और सुबह सत्संग है, एंड सत्संग में आई हैव टू सिंग वन थिंग आफ्टर द सत्संग फॉर यू, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस वन. नहीं बताया जी उन्होंने. एंड देन आई सैंग फॉर गुरुजी ड्यूरिंग द सत्संग विद द सेम पेन ऑल द वे. हैपेंड एवरीथिंग डन, सत्संग फिनिशेस, ओके फाइन, सिटिंग डाउन, देन ही गोस एंड आस्क मी द वन थिंग वेरी क्लियरली, तेरे को याद है अपनी कुंडली? अब मैंने तो कुंडली जो है, जब गुरु महाराज ने जब मुझे बख्शीश करी थी तभी मैंने कुंडली फाड़ दी थी, एटलीस्ट टू डू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स आउट ऑफ योर कुंडली. सो एट दिस जंक्चर ऑफ द एज आई वॉज सपोज टू गेट अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस अकॉर्डिंग टू माई कुंडली, एंड टू प्रिवेंट दैट वॉट आई डिड वॉज आई ऑलरेडी यू नो स्टार्टेड टेकिंग लाइक कि हाँ आप जो है वो कोकोनट कोकोनट का आप जो है ऑयल यूज करना शुरू करो, सो दैट यू नो योर जॉइंट्स आर बिट बेटर, दैट्स हाउ इट सेज समहाउ. सो आई स्टार्टेड डूइंग इट, बट व्हाई दिस वाज देयर, एंड आई वाज हैविंग सम काइंड ऑफ यू नो जॉइंट इन माय टिपिकली हाथों में, शायद वहीं से शुरू होता है, तो यहाँ ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा फ्रिक्शन सा महसूस होने लगा था. एंड देन दिस हैपेंड, तब मुझे समझ में आया गुरु महाराज ने वो जो 24 घंटे का या 36 घंटे का जो पेन था, इतना सिवियर था कि उन्होंने वो कॉन्सेंट्रेट करके बाहर निकाल दिया, जो कि शायद पता नहीं कितने साल तक मुझे रहता. सो आई टुक दिस 3D एक्सरे एंड वेंट टू अनदर डॉक्टर एंड आई टोल्ड हिम, लुक आई हैव अ पेन हियर. Oh, rather, I said, I had a pain here. Can you see this? वहाँ पे cavity है. वो कहता cavity तो है नहीं. So on the X-ray, on one X-ray there is a cavity. On another X-ray there is no cavity. That is what Guruji Maharaj can really do for you. जब बख्शीश करते हैं, trust me. उनसे मांगिए बिल्कुल भी मत, ट्रस्ट में मांगिए बिल्कुल भी मत.
ना हमारी कैपेसिटी, ना इतना दिमाग हमारे अंदर की हम हमारे लिए क्या मांगते हैं हमें रियली पता है। हम बस अपनी छोटी छोटी परेशानियां जो किसी तरह से सॉल्व हो जाए बस हम वही मांग लेते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्व हो जाए, दैट सॉल्व, उसके अलावा मांगते कुछ नहीं। वैसे जब गुरु जी महाराज बख्शिश करते हैं ना तो गुरु जी महाराज जो है वो इट्स अ टोटल इंजन ओवरहॉल, ही इज नॉट यू नो चेंजिंग एनी ऑफ द स्पेयर पार्ट। सो व्हेन दैट हैपेंस इन योर लाइफ बिकम्स स्मूथ। सो गुरु जी महाराज बस यही बख्शीश जो है वो करते रहते हैं और ऐसे ही जो है वो जिंदगी चलाते रहते हैं, जो कि जो है आपको हर दिन एक सत्संग के रूप में दिखाई देता है। सो मैं आज का सत्संग यही कंक्लूड करूंगा कि गुरुजी महाराज बस ऐसे ही आशीष बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपने चरणों में जो है वो बैठा के रखिएगा। हमारी जगह तो वही है, क्योंकि अगर जो है वो जिसने अपने गुरु से और गुरुचरण से प्यार कर लिया उसे सब कुछ मिल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।